नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? कोई भी बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि भाई मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बैकग्राउंड। लेकिन जिस दिन हमारा YouTube का प्ले बटन आ जाएगा तो मैं यहीं चिपका हुआ नजर आएगा। नो कमेंट्स ऑन बैकग्राउंड एंड नो कमेंट्स ऑन कैमरा क्वालिटी, क्योंकि ऑटो पे सेट है, हमें कैमरा चलाना ना आता। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CBSE के टॉपर्स की। ये 500 में से 499 बोले तो 500 में से 499 कैसे ले आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी कौन सी पढ़ाई करते हैं ये लोग जो हम नहीं करते? हमारे दोस्तों जैसी ग्रुप स्टडीज सारी दुनिया में कहीं ना हो सकती। नहीं यार, सच में ग्रुप स्टडीज में पढ़ते भी थे हम लोग, माना है 90% मजाक मस्ती, खाना पीना, पार्टी वगैरह होती थी, पर लड़कियों के नंबर वंबर लिए जाते थे, वो बात अलग है, पर पढ़ाई होती थी। ये लोग कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं जो 499 लेकर मजाक समझ रखा है आजकल 499 नंबर्स को? तो कोई कोई तो 100 में से 100, 499, 500, 600 में से 600। हाँ मजाक है, कोई CBSE को मजाक समझ रखा है? तो दोस्तों देखो, अपने खाली पुलाव बनाने से अच्छा है जरा हम इन्हीं से पूछ लेते कि भाई तुम पढ़ते क्या हो, इतना क्या पढ़ते हो ऐसा? 499 मार्क्स, क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था। अबे जितना भी किया था क्या कर लिया ऐसा तूने? किताबों से अलग पढ़ लिया क्या तूने कुछ? जितना मटेरियल आ सकता था उतना लाया मैं। जितना मटेरियल आ सकता था मैं ले आया अपनी कंपनी में, तू यहाँ जूते बनवा रहा है? मटेरियल आ सका मटेरियल ले दिया मैंने, और जितना कर सकता था करा, सबने हेल्प करी, पेरेंट्स थे फ्रेंड्स थे। अबे ये कौन से फ्रेंड है तेरे जिन्होंने तेरी मदद कर दी है? हमारे दोस्त तो सिर्फ पार्टी के नाम पर भूखों की तरह भागते हुए नजर आते हैं। अगर उनसे एक सवाल पूछो साला, उनको खुद को कुछ नहीं आता, वो हमें क्या पढ़ाएंगे? और ग्रुप स्टडीज के नाम पे मस्ती होती थी, लड़कियों के नंबर एक्सचेंज होते थे, पार्टी होती थी, पेप्सी मंगाई जाती थी, अब मैसेंजर पे बातें होती थी। कौन से दोस्त है तेरे, जादू का प्लेनेट से आए क्या? एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक नंबर रह गया। अब करम जले तेरे उस एक नंबर की वजह से, हो सकता है कि हमारे जैसा कोई गरीब बच्चा पास हो गया हो, लेकिन तुझे उस बात का भी दुख है? जब ऐसे लोंडो को देखता हूँ ना कसम से दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है दिल में। एक नंबर के लिए रो रहा, कहीं एक बच्चा एक नंबर के लिए खुश हो रहा होगा कि उसके 35 नहीं 36 आए हैं, पर ऐसा दुख हो रहा अभी भी। 499 नंबर लेकर दुख हो रहा इसे, इन्हें समाज में रहने का हक नहीं है, बाहर निकालो इसे। पढ़ाई करने का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी है, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा किताबों में ही रहते। कसम से इस सवाल के बाद इस लड़की की जिंदगी बिचारी की हम में से कोई इसकी हालत नहीं समझ सकता ना, कत्ता ही ना। So I used to play every day 2 hours. He used to play every day 2 hours. 4-5 घंटे ये पढ़ाई करता था। अबे आगता ना था क्या तू? तू कुछ खाता पीता ना था, निकालता ना था? स्कूल जाने में, आने में, स्कूल में रहने में, हम 2 बजे हमारी छुट्टी होती थी, हम 2:30 बजे तक घर पहुंचते थे। तू भी 2:30 बजे पहुंचता होगा, उसमें भी तू खाना नहीं खाता, मूंदता नहीं, हगता नहीं, 4-5 घंटे तू लगातार घिसते घिसते पढ़ाई करता, 7:30 बज जाते हैं, तू शाम का खाना नहीं खाता, फिर भी तू 2 घंटे खेलने के लिए टाइम निकाल लेता है। वाह भाई वाह। कितने घंटे होते हैं तेरे दिन में? 24 घंटे की जगह 48 घंटे का दिन होता क्या तेरा? So he's been an excellent student throughout and we did expect that he would do very well. जब आपको पता होता है कि आपने बहुत सारे स्कूल में कांड करे हैं, आपने खूब मजे लिए, टॉयलेट में खूब पेशाब से नाम लिखा है, अच्छी अच्छी बातें टॉयलेट की दीवारों पे लिखे हैं, लेकिन जब आपका नंबर अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं ना, बोले तो 500 में से 499 जो मेरे साला कभी सपने में भी नहीं आए, इसके रियलिटी में आ गए, तो आपके टीचर्स आपके बारे में, आपकी प्रिंसिपल कुछ ऐसे गोल्डन शब्द बोल रही होंगी? So he's been an excellent student throughout. ये लौंडा खुद इस वक्त इस बखत ये सोच रहा है कि ये मुझे जानती तक नहीं है, क्योंकि स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसे ये जानती भी नहीं होगी, लेकिन
he is an excellent student. Extracurricular activities. Curricular activities. पर ही इज ब्राइट स्टूडेंट, वो उसे जानती भी नहीं है, लेकिन वो 499 मार्क्स लाया, ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ना कि 100 100 100 और बीच में एक 99. इट वाज बैक ऑफ माय माइंड दैट ही कैन डू बेटर. तुम्हें पता है जब तुम कभी उम्मीद से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर देते हो ना, वो क्लियरली मानो मत मानो वो बौखला जाते हैं. बट इसके पापा, इसके पापा के पापा, पापा के पापा के पापा के पापा, परदादा के परदादा, ये कभी नहीं बोलते जो इसके पापा ने बोला है. He can do better, but... better? अबे 500 में तो 499 लाया है, और कितने बे, कितना बेटर चाहिए बे? Hey! दाती मेरी माँ है, दाती माँ ने किसको जन्म दे दिया रे? He can do better, अबे तेरी 499 नंबर ले आया और कितना बेटर चाहिए. Obviously, इसके पापा जी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये 500 में से 2,500 तो ले ही आएगा, 5,500 तो नॉर्मल है. He can do better. कोई बात नहीं अंकल जी, अगली बार लौंडा पक्का ले आएगा. शर्मा जी का लौंडा ज्यादा लाएगा अगली बार पक्कम. He can do better. Around 4 hours daily. Exam time में 6-7 hours daily पढ़ता था. हम इनके लिए time निकाल लेता था क्रिकेट खेलने के लिए, खासकर अपने friends वगैरह के साथ. 6-7 hours. बेटे तू भगवान का सीधा भेजा हुआ प्रतीक है. तू तो 6-7 hours पढ़ता है. तूने तो पिछले वाले को भी छेद दिया. 6-7 hours. बोले तो 2:30 बजे ये घर पहुंचता होगा. 9:30 बजे ये पढ़ता ही रहता. 9:30 बजे तक भागता मूदता ना, खाता पीता ना कुछ भी. और उसमें भी ये 2 घंटे खेलने के लिए निकाल लेता है. एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदे हैं ये. ये ऐसे थोड़ी पैदा हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी इनकी. ये भगवान ने सीधा ही भेजे थे. एक मार्क कटा है. कौन से सब्जेक्ट में आपका एक मार्क कटा है? साइंस में. तो अब कैसा लग रहा है आपका एक मार्क कटा? भाई साहब ये रिपोर्टर इतना तगड़ा है, ये पूछ भी ऐसे रहा है कैसा लग रहा है आपको, आपका एक मार्क कट है. जैसे ये केबीसी में बैठा है और वहां पे अमिताभ बच्चन पूछते नहीं है, अमिताभ बच्चन सर पूछते हैं कि तो आप जीत चुके हैं 5,000 रुपए, आप क्या करना चाहेंगे इतनी बड़ी रकम का है? अबे एक नंबर कटा है इसमें भी. तो एक नंबर कटा है, आपको कैसा लग रहा है? पागल है. मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ. मैंने 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स सिक्योर किए 10th बोर्ड्स में. मैं अपना क्रेडिट, अपने अचीवमेंट का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने प्रिंसिपल को देना चाहूँगी. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मैंने पूरे टाइम चीटिंग करी है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा, पर मैं ये बात बोल नहीं सकती क्योंकि अगर मैंने ये बात बोली तो मुझे प्रिंसिपल, मेरी टीचर्स, मेरे घर वाले सब मारेंगे. ये जितनी भी लाइनें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी सारी स्क्रिप्टेड है, सारी मुझे लिख के दी गई है मेरी प्रिंसिपल द्वारा ताकि उनके स्कूल में और ज़्यादा एडमिशन हो सके मेरी इन बातों से. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अबे खुशी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही तेरे चेहरे पे, ये खुशी है? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे तो लगा था दैट यस मेरे सारे पेपर्स अच्छे गए हैं, बट 499 आउट ऑफ 500 नॉट एक्सपेक्टिंग. तुम्हारा ये जवाब हमें पसंद आया. ये लौंडा मुझे सीरियसली पसंद आया, पर्सनली दिल से, क्योंकि इसने सच बोला है. कभी भी कोई लौंडा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता इतने नंबर. ये सच बोल रहा है. लेकिन वो लड़की, आई हैव स्कोर्ड 499 फ्रॉम 500. भाई ये क्या बात हुई, इतने फेंकने की क्या जरूरत है? आगे तो आगे चीटिंग करी होगी तुमने, झूठ बोल रहे. तुम्हारे पास तो चिट लेके आते टीचर सीधे सीधे, ना आती तो तुम वैसे मंगा लेते बाहर पानी पीने जाते हो. जब तुम्हारे जुगाड़ होते ऐसे ही आ जाएंगे. हम तो चीटिंग करा, हमारे तब भी ना आते 499. अबे मेरे 450 ना आते ऐसे चीटिंग करने के बाद भी, सच्ची बात ना आते. 5 नेशनल टॉपर्स एक स्कूल को देना, आई थिंक लेट्स मेक सम नॉइज हियर. या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये महान आत्मा इस बच्चे को जानती भी ना होगी, पर इसे अपनी फेंकनी है कि हमारे स्कूल में इतने इतने बच्चों ने इतने इतने स्कॉलरशिप लिए हैं, हमारे बच्चों ने इतने इतने मतलब इतने इतने निकाले, पता नहीं कितने कितने निकाले. और ये यहाँ पर कहना चाहती है क्लियरली कि हमारा स्कूल दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल है, आप प्लीज यहाँ आकर अपनी तशरीफ रखें और यहाँ एडमिशन करवाएं. ये एक
प्रमोशनल इंटरव्यू था इनका। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बेतुकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको कुछ सालों बाद यही बोलते नजर आएंगे कि वेलकम गाय है गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब करें। तो ये भी यही है, हम भी यही है, तुम भी यही हो बेटे, सब यही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता। जागर खान ने बिल्कुल सही बोला था अपने भाई ने। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत ना, तुम अपनी मस्ती करो, मौज लो जिंदगी की, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे लो पूरे। और बाकी बात रही 499 की, बेटा कोशिश कर लेना, लेकिन अगर 6-7 घंटे पढ़ने की सोच रहे हो क्या कोई ना है, वो मैंने म्यूट कर दिया था, गाली में आ जाता है, और हम यहाँ फैमिली वे में बना रहे हैं तो हम गाली ना देंगे कतई भी अपनी वीडियो में। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मुझे बोलना पसंद ना कि यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिल में लगती है यार, मतलब मांगने की जरूरत है, इतनी अच्छी वीडियो बनाने के बाद मांगने की जरूरत है कि सब्सक्राइब कर लो, दबा दो जाकर चुपचाप, भैया हो गए तो हमारे, और बहन भी हो सकती हो, सेटिंग भी हो सकती हो, हमारी फ्रेंड भी हो सकती हो, ठीक है तुम जो भी हो तुम अपने आप हिसाब से लगा लो। तो बाकी बात रही सब्सक्राइब करवाने की, भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, और क्या बोलता है इसको, इस बार हम टारगेट रख रहे हैं अपना 10,000 लाइक्स, तो देखते हैं क्रॉस होती है कि नहीं होती, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज रहेगा फिर।